तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रशांत फ्रॉम आईआईटी धनबाद, एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहाँ पर हम सबकी सोच आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने की होती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। As you can see, the topics marked by green dot, we had already covered them in the previous lecture. So today, we are going to start with the section 2 of this chapter, that is periodicity and properties, and particularly in this section. Today, we are going to take up this topic, that is atomic radii. So, let's start with our video. Firstly, एटॉमिक रेडियस देखने से पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट या फिर किसी एटम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो या तो हम इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे होंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल एटम की जो प्रॉपर्टीज, जो कि एक इंडिविजुअल एटम, दैट इज वैलेंसी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड दीज प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड दीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। दीज प्रॉपर्टीज डेल विद द बल्क ऑफ द एटम्स एंड दीज प्रॉपर्टीज आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। नाउ वॉट डू वी मीन बाई इनडायरेक्टली? तो इनडायरेक्टली का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं है, प्लस प्लस और भी अदर प्रॉपर्टीज, मतलब कैसा पैकिंग है, कैसा लैटिस है, उन सब पे भी डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है दीज आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। सो अब देखते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो वैसे द प्रॉपर्टीज या वैसे प्रॉपर्टीज जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर हम इस डेफिनेशन को यहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर लें, तो द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज, यानी कि दैट इज एपी, ए एंड पी। और फिर इसमें आगे जोड़ दें, वी शो अ रेगुलर ग्रेडेशन या फिर रेगुलर चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो ऑफ कोर्स हमको पता चल रहा है कि पीरियड एंड ग्रुप कहाँ पे बात करें हम, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल में हम अक्रॉस द पीरियड चले, डेट इज लेफ्ट टू राइट चले, अगर रेगुलर चेंजेस शो हो रहे हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज में एंड टॉप टू बॉटम में ग्रुप में, तो उन प्रॉपर्टीज को बोलेंगे डेट इज दे आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझिए। नाउ अब देखेंगे हम एटॉमिक रेडियस। तो अगर एटॉमिक रेडियस का फर्स्ट डेफिनेशन से देखें, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम एक ऐसे न्यूक्लियस ड्रॉ कर लें, दैट इज जेड, एंड ये एक उसके अक्रॉस, अगर हम परफेक्ट बाउंड्रीज मान के चले, तो सेंटर यानी यहाँ से और यहाँ तक, इसको हम बोल देंगे एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड तो सो वी कैन इजली, यहां से तो लग रहा है कि हम काफी आसानी से एटॉमिक रेडियस को निकाल सकते हैं, बट व्हेन वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस, देन वी हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज, एंड व्हाट आर दोस, लेट्स सी देम। एटॉमिक रेडियस का एक और डेफिनेशन है, द
एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्स, मतलब कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस सर जहां तक हमें प्रोबेबिलिटी हो कि इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वहां तक हम डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे और उसको एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। तो डिफिकल्टीज क्या थी कि एटॉमिक रेडियस को निकालने में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड, फर्स्ट डिफिकल्टी ये थी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो सराउंडिंग होती है उनके पास शार्प बाउंड्रीज नहीं है, दे डोंट हैव शार्प बाउंड्रीज। जैसे कि अगर हम एक बॉल का लें, अगर हम एक एटम को एज अ बॉल कंसिडर कर रहे हैं तो देखेंगे अगर बॉल कंसिडर करके चलें तो उसकी इजी लगेगा एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना, जैसे कि हम इस केस में देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली में एटम की परफेक्ट बाउंड्रीज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इसीलिए ये भी है कि प्रोबेबिलिटी, अगर इस पॉइंट को कंसिडर करें दैट इज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम जीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंस, मतलब कितना भी तुम चले जाओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं होती, इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स है वो जीरो नहीं हो सकता। सो दिस इज द फर्स्ट डिफिकल्टी इफ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। होगी इस सेंटर से लेके और वहां पे, मतलब फेल ही हो जाता है क्योंकि शार्प शार्प बाउंड्रीज है ही नहीं। एंड द सेकेंड एंड जो मोस्ट ऑब्वियसली बात है कि एक सिंगल एटम को आइसोलेट करना ही पॉसिबल नहीं है। हम सोचें कि एक सिंगल एटम को लेंगे और उसमें ऐसे मेजर कर लेंगे, बल्कि हम एक सिंगल एटम को निकाल ही नहीं सकते क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम, अगर मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसकी कोई परफेक्ट बाउंड्रीज नहीं है ना हम कंसिडर कर सकते। तो सपोज अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे एक एटम रख दूँ जिसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड इसका एक न्यूक्लियस होगा जेड, तो इस इलेक्ट्रॉन एंड ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा एंड इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा एंड इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा होगा, वैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, अगर ये सिंगल था तो कुछ और, लेकिन यहाँ पे अगर इसके आसपास कोई एटम है तो वहाँ पे देखें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। Does the atomic radius may change in going from one environment to other? मतलब किसी environment में इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक रेडियस कुछ ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है एंड किसी environment में कुछ दूसरे एटम्स आ गए, कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा होगा उनके बीच में, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा और उसके हिसाब से एटॉमिक रेडियस भी चेंज हो जाएगा। सो वी कैन सी डेट एटॉमिक रेडियस may change in going from one environment to the other, simple point. And जो फोर्थ डिफिकल्टी है कि एटॉमिक रेडियस तभी चेंज होगा जब एटम डिफरेंट बाउंडेड स्टेट्स में प्रेजेंट हो, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, वंडरवॉल बॉन्ड है, वंडरवॉल फोर्सेस सॉरी बॉन्ड नहीं वंडरवॉल फोर्सेस बीच में लग रही है, तो उस बेसिस पे अगर देखें तो एटॉमिक रेडियस चेंज है। सो हमारे पास कोई ऐसे आइसोलेट एटम का एटॉमिक रेडियस तो हम मेजर नहीं कर सकते, बट इन लिमिटेशंस के होते हुए भी हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं जिसकी हेल्प से हम एटॉमिक रेडियाई को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई।
तो एटॉमिक रेडियस जो होते हैं वो होते हैं 4 टाइप, दैट इज फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, इनर्ट गैस रेडियस एंड मैटर रेडियस। तो अगर आप इनके नाम पर फोकस करें तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस यानी सीवी बॉन्ड, वंडरवॉल के बाद क्या, तो वंडरवॉल, वंडरवॉल रेडियस मतलब वंडरवॉल फोर्सेस एंड इनर्ट गैस रेडियस की बात करें यानी इनर्ट गैस के एटम का रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होगा वो हम देखेंगे, ये होगा एटम का रेडियस जब कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स हो, एंड उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक बॉन्ड, यानी लिख सकते हैं MB, मैटेरिक बॉन्ड। तो देखते हैं एक एक करके कि कोवेलेंट रेडियस क्या है, वंडरवॉल रेडियस क्या है, इनर्ट गैस रेडियस क्या है, मैटेरिक रेडियस क्या है। तो सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, दैट इज इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले प्यार का एग्जाम्पल यानी H2। अब क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन का एक वो है, ये इसमें ऐसे दो इलेक्ट्रॉन की चेन होनी है। तो अकॉर्डिंग टू द, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। तो यानी यहाँ से लेंगे अपन लोग यहाँ तक, मान लीजिए इन दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी है, तो हम उस डी का अगर हाफ करते हैं, डी बाई टू करके, तो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा हाइड्रोजन एटम का। तो जो कोवेलेंट रेडियस होता है हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का, वो होता है 74 पिकोमीटर। ये एग्जैक्ट डेटा है, 74 पिकोमीटर होता है। एंड अगर मैं इसका हाफ कर दें यानी कि 37 पिकोमीटर आ जाएगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन H2, 37 पिकोमीटर आ जाएगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ H2। ऐसे ही अगर Cl का देखें, Cl का एटम थोड़ा बड़ा होगा, तो अगर देखें तो Cl के जो आउटर मोस्ट होता है यानी कि 17 होता है, 287। तो यहाँ पे वो लोग एक बॉन्ड का भी हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से तो अब इन दोनों के न्यूक्लियर से, इन दोनों के बीच से न्यूक्लियर से अगर इसको दे दें डी डैश, और उसको डी डैश को 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा Cl का यानी क्लोरीन एटम का। तो आप इसका एग्जैक्ट डेटा देखें तो डेट इज 198 पिकोमीटर होता है, डेट इज 198 पिकोमीटर। एंड इफ वी डिवाइड दिस बाय 2 तो वो हो जाएगा 29 पिकोमीटर, 29 पिकोमीटर। दिस इज अबाउट द कोवेलेंट रेडियस। तो सिंपल से ही वाला फॉर्मूला याद रख लो, दैट इज आर कोवेलेंट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड, टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स।
लिखा नहीं हुआ, बट यू हैव टू ऐड बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स, उनके बीच में हम जो रेडियस निकालेंगे वो निकालेंगे कोवेलेंट रेडियस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें एंड साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।